हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हैं तो आपको कब रिलेशन में रहना चाहिए, कितनी बार रिलेशन में रहना चाहिए और रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, कैसे संबंध में रहना है ताकि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, जिनको प्रेगनेंसी बहुत सालों से कंसीव नहीं हो रही है, बहुत महीने लग रहे हैं और उनको हर वक्त हर महीने जो है निराशा ही हाथ लगता है, पीरियड्स आ जाते हैं आपके और आप फिर से उम्मीद खो बैठती हैं कि मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको मैं आज बहुत ही क्विकली, बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसमें ऐसी नॉलेज दूंगी जिसके बिहाव पे काफी सारी महिलाओं ने कंसीव किया है। देखिए, फीमेल्स बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जो कुछ हमारे सिस्टम में होता है वह नेचुरल होता है और हमें कंसीव कराने के लिए अपने आप से इंडिकेशन देता है। उस छोटे छोटे इंडिकेशन को अगर आप समझने लगेंगी तो कंसीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, विद इन अ वन मंथ के अंदर भी कंसीव हो जाता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, महिला की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, जो महिला की बच्चेदानी होती है, वहां पे ओवरीज होती हैं और ओवरीज इस वजह से दी जाती हैं क्योंकि दो ओवरीज अल्टरनेटेड बेसिस पे काम कर सके। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यूट्रस होता है उसके साइड में दो ओवरीज होती है, दोनों ओवरीज के अंदर बहुत सारे एग रहते हैं, लेकिन उन दोनों ओवरीज में से हर एक महीने अल्टरनेट करके एक एक एग मैच्योर होता है, उसके फॉलिकुलर रप्चर होती है और वो फिलोपियन ट्यूब में आता है और वो समय होता है आपके ओवुलेट होने का, आपके ओवुलेशन का। और जनरली अगर आपकी पीरियड साइकिल हेल्दी है, रेगुलर है, 28 से लेकर के 32 डेज के बीच की है, तो ये हेल्दी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग वो जो ओवुलेशन का फेज होता है वो आपके पीरियड्स के 12वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये अंडा आपके स्वस्थ एग आपकी ट्यूब के अंदर आता है तो ये 12 घंटों तक ही जीवित रहता है। अब ये 12 घंटे सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन बात यह है कि वो 12 घंटे का पता कैसे चलेगा और 12 घंटों में रिलेशन नहीं बनाया तो कंसीव होने में क्या बहुत प्रॉब्लम आएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आपकी जब एग आपके ट्यूब में आती है उसके पहले ही आपका फर्टाइल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फर्टाइल विंडो ओपन होने की वजह से महिलाओं के शरीर में कुछ इंडिकेशन भी आने लगते हैं। जैसे ही आपका एग फॉलिकुलर मैच्योर होता है, रप्चर होता है, वैसे ही आपको डिस्चार्ज जाने लगता है। ये डिस्चार्ज काफी हल्का सा, पतला सा और थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है। इसके अलावा आपको जो है ये पारदर्शी दिखाई देगा और आपकी यूट्रस से ही ये आपकी ओवरी से ही रिलीज होता है और ट्यूब के माध्यम से आपको जो है निचले अंगों से निकलता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आपका जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी का जो मुंह है सर्विक्स का, वो काफी ज्यादा मुलायम हो, सॉफ्ट हो, लचीला हो, ताकि सेल उसमें अच्छे से एंटर कर सके और वो अंडे तक पहुंच सके। तो इसका मेन उद्देश्य ही होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको दूसरा जो लक्षण महसूस होगा वो होगा क्रैम्प आने का। पेट के अंदर 12वें दिन से आपको कभी भी नोटिस करना है कि आपको क्रैम्प जैसा पेन तो नहीं होता है, राइट लेफ्ट या फिर नाभि के जस्ट नीचे मिडिल पार्ट में, आपको कहीं पे भी यूट्रस के भाग में जो कि हमारे नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल में होता है वो क्रैम्प सा फील हो सकता है, एक चुभन जैसा, पिंच जैसा फीलिंग होगा, वो राइट या लेफ्ट पर्टिकुलर वन साइड भी हो सकता है या फिर नाभि के नीचे कहीं भी हो सकता है। तो ये जो आपको क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम होती है ओवुलेशन फेज में, वो फर्टाइल विंडो से स्टार्ट हो जाती है और वो एक जब आता है ट्यूब के अंदर तो उसके साइज बड़ी होती है, इस वजह से ऐसा इंडिकेशन शरीर देने लगता है, थोड़ी बहुत पेन होने लगती है। तो ऐसा भी कुछ आपको समझ में आए तो आप समझ सकती हैं कि ओवुलेशन आपका होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, तो जो थर्ड सिम्टम्स हैं उसमें काफ़ी सारी महिलाओं को ये होता है कि हेडेक काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, सर में दर्द होने लग जाता है, सुबह सुबह उठते समय ही आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इस समय आपका जो ब्रेस्ट होता है वो भी थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कोमल हो जाते हैं आपके निपल्स और इसमें जो है थोड़ी सी आपको दर्द या टेंडरनेस, सोरनेस जैसी फीलिंग आ सकती है। ये सभी महिलाओं को तो नहीं होता है, लेकिन 1-2% ऐसे फीमेल्स होती हैं जिनमें ये लक्षण भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं, अगर कोई भी लक्षण फील ही नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए, आपको जो है रिलेशन बनाना है पीरियड्स के 12वें दिन से कंटिन्यूअस पे या फिर एक दिन छोड़ करके, क्योंकि अब आपका कभी भी ओवुलेशन हो सकता है, लेकिन जो सेल आते हैं, जो आपके हस्बैंड से आते हैं आपके शरीर के अंदर, उसकी जो कैपेसिटी होती है लिविंग की वो 5-7 डेज की होती है। तो अगर वो शरीर के अंदर मौजूद होगा तो वो हमेशा एग की तलाश में रहेगा और जैसे ही एग ट्यूब के अंदर आएंगे वो उसको फर्टिलाइज्ड
कर पाएगा और कर देता है। इसके अलावा कितनी बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो देखिए जो आपका पोजीशन कंफर्टेबल है उसमें करिए, जब आपको अंदर से इच्छा होती है तब करिए विदाउट एनी स्ट्रेस। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, आपको केवल आपका ओवुलेशन पीरियड पता होना चाहिए। अगर इंडिकेशन नहीं दे रहा है शरीर या उसे समझ नहीं पा रही है तो ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करिए, जो कि मार्केट में काफ़ी इजिली अवेलेबल है और उससे आप काफ़ी आसानी से अपने ओवुलेशन या फर्टाइल पीरियड का पता लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये 100% नेचुरल तरीका है। इवेंचुअली आप डॉक्टर से मिलेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपको यही लेने की सलाह दी जाएगी, उसके बाद ही एडवांस ट्रीटमेंट आपका किया जाएगा। तो नेचुरल कंसेप्शन बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, इसलिए नेचुरल तरीकों पे ही आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने ओवुलेशन देखो आसानी से समझ पाएंगी तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे नेचुरल तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है तो वैसी कंडीशन में आपका ओवुलेशन भी इनरेगुलर होता है, समय पर नहीं होता है। तो उन महिलाओं को रात में डिनर के बाद एक गिलास दूध के अंदर या फिर एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच शतावरी चूर्ण डालकर पीना चाहिए। इससे आपका यूट्रस मजबूत होगा, समय पे ओवुलेशन होने लगेंगे, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, तो ये आप बहुत इजीली फॉलो कर सकती हैं और अपने यूट्रस को हेल्दी कर सकती हैं ताकि मां बनने की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत सारी महिलाओं को जो मैंने टिप बताई है उनसे कंसीव भी हुआ है तो नेक्स्ट नंबर आपका आ सकता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सारी जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।